नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। लॉ एंड ऑर्डर के ताजा हालातों के लिए जानकारी। बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक की जमकर की पिटाई, पुलिस की तत्परता से बची जान। बिहार नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। जनता करेगी मेयर और डिप्टी मेयर का चयन। भागलपुर नगर निगम चुनाव में सीट आरक्षित होने के बाद कई नए चेहरे आए सामने। डॉक्टर वसुंधरा लड़ेगी महापौर का चुनाव। और सहरसा में दो पुलिसकर्मी सेवा से हुए बर्खास्त, नर्तकी के साथ डांस का वीडियो हुआ था वायरल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम आवास पर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल समेत पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनसे मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में सामने आए आपराधिक मामलों की जानकारी लेकर उस पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि राज्य में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष बिहार में जंगल राज की वापसी होने की बात कह रही है। राजधानी पटना समेत राज्य के तमाम जिलों में अपराध की घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बनी हुई है, जबकि हत्या और लूट समेत अपराध की अन्य घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के ताजा हालात की जानकारी ली और डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैशाली में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने हाथ पैर बांध कर पहले तो उसकी पिटाई कर दी, उसके बाद तालिबानी सजा देते हुए युवक को गांव में घुमाते हुए जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। मामला दरअसल वैशाली के पटेड़ी बेलसर ओपी क्षेत्र अंतर्गत मझौली गाँव का है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह मझौली गाँव के कुछ लोगों की नज़र एक युवक पर पड़ी, जिसकी गतिविधि संदिग्ध दिखाई देने पर लोगों ने उसे बच्चा चोरी के आरोप में पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं पिटाई के बाद युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर पटेड़ी बेलसर ओपी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। इधर हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। वहीं इसको लेकर बेलसर ओपी अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विकसित है, जिसको लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में पकड़कर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, जबकि घायल संदिग्ध युवक की पहचान नहीं हो सकी है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सूबे के तमाम नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में सरगर्मियां तेज हो गई है। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य में दो चरण में चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण के चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जबकि इसके लिए मतदान 10 अक्टूबर को होगा। वहीं भागलपुर नगर निगम में दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को मतदान होगा और इसके लिए 16 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले प्रत्याशी 27 से 29 अक्टूबर तक अपना नाम चुनाव से वापस ले सकेंगे। वहीं इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसके बाद 22 अक्टूबर को मतगणना के साथ नगर निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आएगा। बिहार में पहली बार नगर निकाय चुनाव में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए अलग अलग चुनाव होगा, जबकि इससे पूर्व पार्षदों के चुनाव परिणाम आने के बाद वार्ड पार्षद ही वोटिंग के माध्यम से महापौर और उप महापौर का चयन करते थे, जिसमें काफी धांधली और पैसे का खेल भी धड़ल्ले से होता रहा। हालांकि अब जनता पार्षद की तरह महापौर और उप महापौर का चयन सीधे करेगी और इसके लिए अब मतदाता मतदान केंद्र पर पार्षद के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अलग से मतदान करेंगे। अभी हम भागलपुर के नगर निगम परिसर में मौजूद है और आपको पता है कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से
कल ही कर दी गई है और भागलपुर में दूसरे चरण में चुनाव होना है। वैसे पूरे बिहार में दो चरणों में चुनाव होना है, भागलपुर में दूसरे चरण में चुनाव होगा और 20 अक्टूबर को मतदान की तिथि तय की गई है और 16 सितंबर को नामांकन पर्ची दाखिल करने की तिथि है जो 24 सितंबर तक चलेगी। और इसके साथ ही जब 20 अक्टूबर को मतदान के बाद 22 अक्टूबर को मतगणना की तारीख रखी गई है, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह घोषणा कर दी गई है और उसके बाद से पूरे नगर निगम क्षेत्र में, पूरे ज़िले में, नगर परिषद और नगर पंचायत में तमाम जगहों पर सरगर्मियां तेज हो गई है। पार्षद हों या वार्ड से जुड़े हुए, इस चुनाव संबंध से जुड़े हुए जितने भी उम्मीदवार हैं सभी जगह सरगर्मियां देखी जा रही है और ये लंबे समय से इस चुनाव के घोषणा का इंतजार किया जा रहा था और इसको लेकर के काफ़ी उहापोह की स्थिति भी लगातार बनी हुई थी और आखिरकार कल राज्य चुनाव आयोग की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। दो चरणों में चुनाव होना है, पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा। तो इसको लेकर के राज्य चुनाव आयोग की ओर से घोषणा के बाद लगातार जो तैयारियां भी तेज़ हो गई है, भागलपुर नगर निगम में भी इसकी तैयारी साफ देखी जा सकती है। इसको लेकर के अधिकारियों के बीच भी जो प्रक्रिया है तमाम उससे जुड़ी हुई वो शुरू कर दी गई है। भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर नामांकन प्रक्रिया के लिए निर्वाचन पदाधिकारी सदर एसडीओ कार्यालय परिसर में तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर सदर एसडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सारी तैयारी कर ली गई है और नामांकन एवं पूछताछ के लिए काउंटर भी बनाया गया है। एसडीओ ने कहा कि आरक्षण रोस्टर के साथ प्रपत्र 11 से संबंधित सारी सूचना का प्रकाशन कर कार्यालय के सूचना पट पर लगा दी गई है और सुल्तानगंज नगर परिषद, नवगछिया नगर परिषद, कहलगांव, पीरपैती और अकबरनगर नगर पंचायत में पहले चरण में 10 अक्टूबर को मतदान होगा जिसके लिए नामांकन शुरू हो गया है जबकि 19 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही धारा 144 भी लगा दी गई है और इसका पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जो प्रपत्र 11 में जो अधिसूचना, जो सूचना हम लोगों को प्रकाशित करनी थी, जो हम सूचना वो हम लोगों ने प्रकाशित कर दिया है और बाहर सूचना पट पे वो लगा दिया गया है। साथ ही साथ नगर परिषद सुल्तानगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुल्तानगंज एवं थाना सुल्तानगंज के भी कार्यालय में भी उसको प्रदर्शित करवा दिया गया है एवं जो आयोग को जो भेजना था वो भी भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो 144 एक चुनावी प्रक्रिया चूँकि शुरू हो चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो नॉमिनेशन से पूर्व हम लोग 144 धारा लागू करवाते हैं वो भी करवा दिया गया है और साथ ही साथ जो बैरिकेटिंग जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे बैरिकेटिंग और फोर्समेंट स्टेट की डेपुटेशन कर दी गई है। इसके आगे जो भी अपेक्षित है वो जैसे जैसे फेजेस बढ़ेंगे हम लोग वो सारे कार्य करते रहेंगे। भागलपुर नगर निगम चुनाव में सीट आरक्षित होने के बाद कई नए चेहरे सामने आने लगे हैं। वहीं चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही दावेदारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी शुरू हो गया है। शनिवार को शहर की चर्चित चिकित्सक डॉक्टर वसुंधरा लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान किया। इस दौरान डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि भागलपुर शहर में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जनता की मांग और भरोसे पर उन्होंने मेयर पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही कहा कि उनका चुनावी मुद्दा भी जनता खुद ही तय करेगी जिससे मौका मिलने पर शहर का विकास और जनता की सेवा कर सके जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। शहरवासियों से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ में भरोसा जताएं ताकि मैं अपना 100% दे सकूं और मैं वादा करती हूँ कि आप भरोसा जताएंगे तो मैं ऐसा करूँगी। जब मुझे इसका बताया गया कि इसमें तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं काफ़ी असहज थी, इतना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता था कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी और मुझ में ऐसा है नहीं कि मैं ये सब कर सकूँगी, लेकिन पब्लिक के डिमांड को देखते हुए, भागलपुर के नीड को देखते हुए मैंने चिंतन किया और अपने आप को समझाया कि मैं अपने भागलपुर अफगानी सोसाइटी की सेक्रेटरी रही हूँ, आईएमए की सेक्रेटरी रही हूँ। उस समय भी मुझ में यही लग रहा था मुझे कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं सब कुछ कर पाई और सलीके से कर पाई।
सहरसा सदर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष और जिले के नौहट्टा थाना के एसआई को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर सहरसा के पूर्व सदर थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद और नौहट्टा थाना के एएसआई उदयनाथ शर्मा का गश्ती के दौरान नर्तकी के साथ शराब पीते और डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिस पदाधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। 21 जनवरी 2022 में आप ही के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष जो है जयशंकर प्रसाद, वो बार बाला एवं शराब के साथ दिखाई दे रहे थे। और ये वीडियो आने के बाद इसकी तुरंत एसपी सहरसा लिपि सिंह द्वारा जांच कराई गई और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद तत्काल प्रभाव से तत्कालीन थानाध्यक्ष जो सदर थाना के प्रभारी थे उनको निलंबित किया गया था और उनकी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। विभागीय कार्रवाई के दौरान साक्ष्य प्रतिसाक्ष संकलित करने के बाद एसपी सहरसा द्वारा ये पाया गया कि ये जो वीडियो चल रहा था उस वीडियो के अकॉर्डिंग साक्ष्य है और वहाँ से एक उनको निलंबन जो हुआ था उसके साथ साथ आगे का एक्सटेंशन में उसको बर्खास्त करने का अनुशंसा यहाँ पे की गई थी। भागलपुर में शनिवार को विशेष किशोर पुलिस इकाई के द्वारा चाइल्ड वेलफेयर को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से नए जस्टिस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के मूल अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जिला बाल संरक्षण इकाई के असिस्टेंट डायरेक्टर भास्कर प्रदर्शी ने बताया कि बाल संरक्षण से जुड़े अलग अलग कानूनों को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कई थानों के सेकेंड ग्रेड ऑफिसर को बाल अधिनियम के तहत पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो रूल, जुवेनाइल जस्टिस और बाल विवाह अधिनियम समेत कई एक्ट की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडीजे 1, एडीजे 2, डीएसपी हेडक्वार्टर प्रकाश कुमार, एसडीपीओ नवगछिया, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नया टोला देसरी निवासी गोपाल रजक के घर आए रजौन थाना क्षेत्र निवासी उनका भांजा राहुल रजक की जेब से उसके ममेरे भाई मिथिलेश कुमार ने 5,300 रुपये चोरी कर दिए, जिसके बाद यह सारी घटना उनके घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं जब इसकी जानकारी राहुल रजक ने अपने मामा एवं मामी को दी तो मामा मामी समेत परिवार के लोगों ने मिथिलेश के साथ मिलकर राहुल से धक्का मुक्की करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया एवं जान से मारने की धमकी दे दी। इधर इसको लेकर पीड़ित ने जगदीशपुर थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जगदीशपुर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी, जबकि इससे पूर्व भी पीड़ित के दोनों मामा के बीच में विवाद चलने की बात कही जा रही है। मामला ये है कि मैं दिल्ली से आया था यहाँ कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, तो मैंने वॉशरूम जाते समय मैंने पैंट को अपने टांगा यहाँ पर हैंगर में। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने नोटिस करा कि मेरे पैंट है ना जहाँ मैंने टांगा था वहाँ पर नहीं है, वो नीचे फेंक रखा है। तो फिर मैंने उसमें सर्च करा तो पैसे तो थे नहीं मेरे उसमें। फिर मामा आते हैं घर पे रहते नहीं छोटे वाले, फिर उनसे मैं सीसीटीवी कैमरा उसकी फ़ोटोज़ वगैरह चेक चुक करवाता हूँ। फिर उसमें नज़र आता है कि मतलब मेरे जो बड़े वाले मामा है ना उनके छोटे लड़के मिथिलेश ने मतलब उसमें से निकालते हुए नहीं रहता है और उसको डंप कर देता है। कितना पैसा था आपका? 5,380। भागलपुर के नाथनगर चंपानगर से शुरू होने वाले अंग प्रदेश की लोक कथा पर आधारित बिहुला विषहरी पूजा 2 महीने तक भागलपुर समेत बिहार झारखंड के जिलों में धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं भादो पूर्णिमा में कहलगांव के कई स्थानों पर भी विषहरी पूजा की जा रही है। इसको लेकर एकचारी में पारंपरिक तरीके से मंजूषा पर बाला लखिंद की प्रतिमा के साथ बारात निकाली गई, जबकि बारात निकलने से पूर्व विधि विधान से वैवाहिक रस्म की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष भक्त शामिल हुए। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में बिगड़ ही कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, लॉ एंड ऑर्डर के ताजा हालातों के लिए जानकारी। बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक की जमकर की पिटाई, पुलिस की तत्परता से बची जान। बिहार नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज, जनता करेगी मेयर और डिप्टी मेयर का चयन।
भागलपुर नगर निगम चुनाव में सीट आरक्षित होने के बाद कई नए चेहरे आए सामने। डॉक्टर वसुंधरा लड़ेगी महापौर का चुनाव। और सहरसा में दो पुलिसकर्मी सेवा से हुए बर्खास्त, नर्तकी के साथ डांस का वीडियो हुआ था वायरल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।